एक बार पुनः मेला क्षेत्र में पधारे हुए समस्त आम जनमानस को, महिलाओं को, बच्चों, वृद्धों को, जितने भी संतगण आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण भारत के कोने कोने से जितने भी संत महात्मा यहाँ पे पधारे हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, परंतु यदि कोई भी समस्या आपको दिखाई देती है या आती हुई दिखाई देती है तो आप तत्काल SSP प्रयागराज के मोबाइल नंबर पर या SP मेला के मोबाइल नंबर पर या कंट्रोल रूम के नंबर पर या 112 नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। एक बार पुनः मेला क्षेत्र में जितने भी आम जनमानस लोग हैं, संत लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात, प्रशासनिक व्यवस्था में तैनात जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, एक बार पुनः सभी का वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके स्वर्णिम और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय प्रयागराज, जय हिंद, जय भारत। जनमानस की सुरक्षा की है, सेवा की है, उसी तरह से आप अपने कार्य में डटे रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और उस काम के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेला क्षेत्र में SP माघ मेला श्री राजीव नारायण मिश्र एवं मेला अधिकारी अरविंद कुमार जी IAS ऑफिसर, इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है और लगातार कर रहे हैं, उनको और उनकी टीम को भी मैं बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, 150 से भी ज़्यादा कैमरों का फीड यहाँ पे आता है और पूरे मेला क्षेत्र की हर गतिविधि को यहाँ 24 घंटे देखा जाता है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो निश्चिंत होकर के अपना स्नान कार्य करें, मेला का भ्रमण करें, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। यह भी आपको बताना चाहते हैं कि जो शरारती तत्व या आपराधिक तत्व अगर किसी भी कारण से मेला क्षेत्र में प्रवेश पा लिए हों तो तत्काल निकल जाएं, वरना पुलिस की टीमें उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेंगी। आम जनमानस से अनुरोध है कि वो अपने सामान का ध्यान रखें, किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, पुलिस की टीमें आपकी मदद के लिए तैयार हैं। किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं, कोई चीज़ संदिग्ध लगती है या कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो तत्काल 112 नंबर पर फ़ोन करें या पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताएं, आपकी मदद की जाएगी। मेला क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे सिविल डिफेंस के लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने बड़ी मेहनत से कार्य किया है और पुलिस और प्रशासन का सहयोग किया है। मेला क्षेत्र में लगे हुए समस्त PSC बलों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, RAF की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, ATS का स्पॉट दस्ता जो यहां पे आया हुआ है उसको भी बधाइयां प्रेषित करता हूं, साथ ही साथ जल पुलिस की टीम जो लगातार जल में रहते हुए लोगों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी के सम्मान का ध्यान रखा गया, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई नहीं आई, इसके लिए आप सभी के सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको मालूम है कि पूरे मेला क्षेत्र को कई थानों, कई चौकियों में बांटकर उसका प्रबंधन किया जा रहा है। आग और पानी के खतरों से निपटने के लिए उसका व्यवस्था की गई है, मिसाल के तौर पर दमकल की कई गाड़ियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की आग की घटना तत्काल कंट्रोल किया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर्स के प्रयोग में सावधानी बरतें, किसी भी गैस सिलेंडर में गैस खुला न रह जाए, नहीं तो आग लगने की संभावना बनी रहती है, उससे बचाव करें।
इसी प्रकार से 108 से भी ज्यादा गोताखोरों की टीम लगाई गई है ताकि अगर कोई श्रद्धालु किसी भी प्रकार से संगम में उनके डूबने की नौबत आए तो तत्काल उन्हें बचा लिया जाए। अभी तक ऐसे कई लोगों को बचाया जा चुका है। इसी सुरक्षा के क्रम में खोया पाया केंद्र भी बहुत ही शानदार भूमिका अदा कर रहा है। वाच टावर के पास, संगम मोज के पास खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जहां पर प्रशिक्षित लोगों की टीम, सिविल डिफेंस की टीम और हमारे पुलिस पीएसी की टीमें लगी हुई हैं, जो निरंतर खोए हुए लोगों को, भूले बिसरे लोगों को अपनों से मिलाने का काम कर रही हैं। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं अजय कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज, आप सभी के सहयोग का हृदय से आभारी हूं। चूंकि माघ मास का ये माघी पूर्णिमा का आखिरी स्नान है, मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आपका यह स्नान भी आपके लिए पुण्यदायक बने। आप कुशलता पूर्वक यहां पर स्नान करें, पूरी तरह सुरक्षित रहें और सुरक्षा के साथ पुण्य लाभ लेते हुए अपने अपने घरों को, अपने अपने जिलों और शहरों को वापस लौट सकें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं।